मेरी मर्जी ये है कि मैं सब कुछ ट्रस्ट को दे दूंगा। आतिद, एक्चुअली एक मौका दे सकता हूँ मैं तुम्हें। जिन लोगों को तुमने इस घर से बाहर निकाला है, मेरी फैमिली को, अगर तुम यहाँ 2 घंटे में नहीं लाए तो मैं भी यहीं, लॉयर भी यहीं पर, ट्रस्टीज भी यहीं पर, सिर्फ तुम यहाँ नहीं होंगे और ना ही वो पैसे यहाँ होंगे जिसके लिए तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया निशा। अपने परिवार को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जा सकता हूं। मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं, पर तुम्हारे पास सब कुछ है। सोच लो, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, थिंक इट ओवर। आतिद सर प्लीज, समीर हैव अ सीट। जब तक मेरी वाइफ अपना टाइम वेस्ट करती है, हम पेपर्स रिव्यू कर लेते हैं। आदित्य प्लीज, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है, सो डोंट इवन ट्राई। तुमसे जीतकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझसे हारकर तुम सब खो दोगे निशा। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, मेरी फैमिली को वापस लाकर ये पैसा, ये इज्जत, ये सब वापस चाहिए, या फिर तुम अपने आदि से इतना प्यार करती हो कि सब कुछ ट्रस्ट में देने के बाद तुम मेरे साथ किसी चौल में रह लोगी। 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, 20 मिनट तुम ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी हो। थिंक ओवर इट। मॉम, आधे घंटे में मुझे काकी माकाकुसा का जो नया घर है उसके बाहर जो केमिस्ट है वहां से फोन कीजिए। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या चाहिए, आप बस वहां जल्दी पहुंचिए और मुझे फोन कीजिए। या मॉम, आई एम ओके, आप पहुंचिए वहां। अब मजा आएगा आदि। यार आदि, नो, आई वाज थिंकिंग कि निशा ने इतनी मुश्किल सबको घर से बाहर किया और वही तो इतने सालों से चाहती थी, सो डू यू थिंक कि निशा सच में सबको घर पे वापस लेके आ पाएगी? समीर, ना लाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, देखना यह है कि वो उन्हें वापस लाने के लिए क्या करेगी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी